विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। जहांगीरपुरी हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका दायर कर जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग। हिंसा की जांच के लिए मौजूदा जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की मांग। अजान विवाद में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, लाउडस्पीकर को लेकर फरमान जारी। अब मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन नहीं चला पाएंगे, परमिशन लेना जरूरी। देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है, संक्रमित मरीजों और मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना के 2183 मामले आए सामने, 214 लोगों की गई जान। दिल्ली में ऑटो टैक्सी और मिनी बस चालकों के संगठन आज से हड़ताल पर, यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। यूनियन संगठन किराए में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों में कमी किए जाने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को जाना होगा जेल, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्र की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। आशीष मिश्र को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को मिली बड़ी राहत, मौलाना मोहम्मद अली जोहर ट्रस्ट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए अधिग्रहित जमीन सरकार को लौटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। पश्चिमी यूक्रेन को निशाना बना रहा है रूस, लविव शहर में दागी एक के बाद एक 5 मिसाइलें, लविव के मेयर एंड्री सदोवी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। अक्षय कुमार के विज्ञापन एड पर नाराज हुए पहलाज नेलानी, पूर्व सेंसर बोर्ड प्रमुख बोले किस चीज की कमी है, पान मसाला बेच रहे हो।